नमस्कार साथियों, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ड्रेसिंग कैसे की जाए। कई बार क्या होता है कि हमारे सर के ऊपर चोट लग जाता है, ऐसे में सर के ऊपर आप पट्टी कैसे बांधेंगे? मान लीजिए इनके यहाँ पर चोट लग जाए तो यहाँ पर आप पट्टी कैसे बांधेंगे? क्या आप पूरा ऐसे बांध देंगे इनको? तो मुँह कैसे खुलेगा इनका? तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ड्रेसिंग करना कैसे है, क्या क्या सावधानी देनी है, कितनी सुरक्षा रखनी है, गंदगी ना होने पाए, ऑटोक्लेव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले ड्रेसिंग करते समय आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान है स्वच्छता का। ड्रेसिंग में उपयोग किए जाने वाले जितने भी सामान हैं वो स्वच्छ होने चाहिए। जैसे अगर हम गॉज पीस का उपयोग करेंगे, ये भी जो है ऑटोक्लेव किया हुआ होना चाहिए। ऑटोक्लेव किया हुआ गॉज पीस इकट्ठा करके सर्जिकल ट्रे में उसको रखना चाहिए, और उसके लिए जो यूज़ की जाने वाली कैंची है वो भी सर्जिकल कैंची होनी चाहिए, ऑटोक्लेव किया हुआ कैंची होना चाहिए। एक बार जो डॉक्टर या जो स्टाफ जो नर्स ड्रेसिंग करने वाला है वो अगर अपने ग्लोव्स को पहनता है तो उसे किसी भी अन्य वस्तु को टच नहीं करना है। अगर आप अन्य वस्तुओं को जैसे इस बोतल को भी टच कर लेते हैं तो वो इन्फेक्शन जो है उसको फैल जाएगा। ऐसी कंडीशन में एक स्टाफ की सहायता लेकर के आपको सारा काम करवाना पड़ेगा। इसके बाद आपको ड्रेसिंग वाली जो जगह है वो जगह कैसी है वो देखना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर इनके सर पे चोट लग जा रहा है, अभी तो मैं आपको ऐसे ही एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, बाकी जब ऐसा पेशेंट आएगा तो प्रैक्टिकली हम ड्रेसिंग करके दिखाएंगे, बट जितनी अच्छी तरीके से मैं आपको अभी समझा पाऊँगा मरीज के सामने इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझा पाऊँगा। तो मान लीजिए कि सर के इधर चोट लग गई है पेशेंट को, यहाँ ड्रेसिंग कैसे करेंगे? मान लीजिए अगर पेशेंट को यहाँ पर चोट लग गई है तब इसकी पट्टी कैसे होगी? मान लीजिए यहाँ पर चोट लग गया है तब आपको इसकी पट्टी करते समय कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा। इसको जो है आपको यहाँ तक लगाना है, यहाँ तक, और जब पट्टी आपको लपेटेंगे तो पट्टी आप ऐसे लपेटेंगे, ऐसे करके पूरा आपको लपेट देना है। ऐसे कंडीशन में ये नीचे नहीं दबेगा, ये पूरा फ्री हो जाएगा। अब इसको पूरा गोल लपेटने के बाद उसके बाद आप इसको बांध देंगे। बांधने के भी दो तरीके के टेक्निक है, या तो आप इसको आधा यहाँ पर छोड़ दीजिए उसके बाद आखिरी में आप इसको बांध दें, या तो जो बचा हुआ है आखिरी का जो पार्ट है, आखिरी के पार्ट को दो भागों में आप काट लीजिए। जैसे मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, इसको पकड़िए ऐसे, जैसे कि मान लीजिए पट्टी बांधते समय आखिरी का जो पार्ट बचता है उसको आप दो भागों में बांट लीजिए। इसको यहाँ से पकड़िए, यहाँ से दो भागों में आप बांट लीजिए। बांटने के बाद आपको दोनों को अच्छे से ऐड देना है, दोनों पार्ट को अच्छे से ऐड देना है। ऐडने के बाद जो है आपको इसमें गट्ठी लगा देनी है, अच्छे से ऐड देना है ताकि मजबूती आ जाए। इसके बाद में इसमें गट्टी ऐड देना है, और जब भी आपको बांधना है जैसे कलाई पर बांधना है तो आप इसको मोड़ करके ऐसे बांध सकते हैं। ऐसे में अगर आप जो है पट्टी का आखिरी छोर निकालना भूल भी गए हैं तब भी आप जो है दोनों तरीके से लपेट कर ऐसे बांध सकते हैं कहीं भी चोट लगी हो। तो ड्रेसिंग करने का सबसे सब लोग जानते हैं आसान तरीका है, कोई बहुत बड़ा इसमें चीज़ नहीं है, बस इसमें स्वच्छता का बकायदा ध्यान रखना है। किस प्रकार से जो है पेशेंट को ऑटोक्लेव किया हुआ चीज़ को ही यूज़ करना है, अच्छी तरीके से पकाया हुआ शुद्ध किया हुआ चीज़। ऑटोक्लेव की मशीन आती है जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट कैंची सहित और जितने भी गॉज पीस, जितने भी वस्त्र और जितने भी चीज़ों का उपयोग होने वाला है सभी चीज़ों को जो है ऑटोक्लेव करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड NS और जो है लिक्विड बीटाडीन का लिक्विड पेटेंट वाला आपको पेशेंट के घाव पे लगाना है। लगाने के बाद उसकी पट्टी कर देनी है, बस इतनी चीज ड्रेसिंग में है। सफाई का बेहतर ख्याल रख करके आपको ड्रेसिंग करना है।